नमस्कार, उड़ान एस अकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप राव। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे भारतीय इतिहास से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आगामी आने वाली परीक्षाओं में आपसे पूछे जा सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें, उड़ान एस अकेडमी आपके लिए लेकर आया है एक स्पेशल बैच। इस बैच में केवल 40 विद्यार्थियों को ही एडमिशन दिया जाएगा, जिनको प्री और मेंस दोनों की तैयारी साथ में कराई जाएगी। इस बैच की विशेषता ये है कि इसमें प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा से संबंधित जो टेस्ट सीरीज होता है वो उनको निःशुल्क दिया जाएगा, और समय दर समय उनको मिलने वाले जो प्रिंटेड बुक्स और नोट्स हैं वो दिए जाएंगे। यह बैच जो है 7 जुलाई से प्रारंभ हो रही है, तो शीघ्र ही इसमें एडमिशन लें और अपने तैयारी को एक नई दिशा दें। तो बढ़ते हैं हमारे प्रश्न श्रृंखला की ओर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो देखिएगा, कौन सा मिलान सही नहीं, सोच के बताइएगा। नागानंद, जी हाँ, ये रचना है किसकी? हर्षवर्धन की, नाटक। दूसरा, मुद्रा राक्षस, बिल्कुल ये विशाखदत्त की रचना है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी मिलती है। शुद्रक की रचना है मृच्छकटिकम, ये भी सही है। और रत्नावली भी रचना है वो हर्षवर्धन की, राजशेखर की नहीं। राजशेखर की रचना है कर्पूर मंजरी, ठीक। तो अर्थात इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा गया है, सही मिलान नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन अष्ट महास्थानों में शामिल नहीं है? मतलब ऐसा कौन सा स्थान है जो अष्ट महास्थान में शामिल नहीं है? अब आपको जानना होगा ये अष्ट महास्थान किससे संबंधित है। तो ये है बौद्ध धर्म से संबंधित है। जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है तो उनके अवशेषों को लेकर अजातशत्रु के द्वारा 8 स्थानों पर क्या किया जाता है, उसे दबा दिया जाता है, और वो 8 स्थान ही पवित्र स्थान बन जाते हैं जिन्हें अष्ट महास्थान के नाम से जाना जाता है। इसमें देखिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, इसमें लुम्बिनी के बाद है वैशाली के बाद है राजगृह के बाद है बोधगया के बाद है सारनाथ के बाद आपको याद रखना है श्रावस्ती के बाद है कुशीनगर, जहां गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, ठीक। और इसके अलावा है संकिसा, जो फरुखाबाद उत्तर प्रदेश में है। तो इतने स्थल क्या है, शामिल है किसमें, अष्ट महास्थान में। तो देखिएगा, आपने नहीं पढ़ा किसको, तक्षशिला को। तो तक्षशिला को नहीं पढ़ा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तक्षशिला। तो अष्ट महास्थान में शामिल वो स्थल कौन सा है, तक्षशिला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमिलित नहीं है? तो एक तरफ दिया हुआ है सिक्के और एक तरफ दिया हुआ है कालक्रम। तो देखिएगा क्या लिखा हुआ है, आहत सिक्के। तो आहत सिक्के बिल्कुल 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आ चुके थे। दूसरा, लेखयुक्त सिक्के जो थे ये भी आ चुके थे 2ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। दिनार 4ठी शताब्दी, तो दिनार का जो संचालन है, दिनार जो बनता है मुद्रा में आता है, वो गुप्त काल के, तो ये भी सही है। जीतल, तो जीतल जो है, जीतल और टका अगर हम बात करें तो आपको दिल्ली सल्तनत में मिलेगा, और दिल्ली सल्तनत का जो समय है वो कब से है, 13वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी या 16वीं शताब्दी तक। तो जीतल जो है प्रारंभिक समय में प्रारंभ हुआ था, तो इसका जो आंसर होगा ये क्या होगा, ये आपका मैच नहीं हो रहा है, ठीक। ये होना था क्या, 13वीं शताब्दी होना था इसमें आंसर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर पूछा क्या गया है, सुमिलित नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला लिखा हुआ है, पहला कथन क्या है, भारत में प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था, बिल्कुल सही है। अभी हमने कुछ देर पहले एक प्रश्न उठाया था, कर्षपण एक नियमित प्रकार का सिक्का होता था, बिल्कुल। जब आप मौर्य काल पढ़ेंगे तो मौर्य काल में कर्षपण एक प्रकार का क्या होता था, सिक्का होता था। सिक्कों की कमी को व्यापारिक वाणिज्य की अवनति मतलब गिरावट का सूचक माना जाता था। तो अगर सिक्कों की कमी हो रही तो व्यापारिक गतिविधि में कमी आ रही है, तो ये बिल्कुल गिरावट को दिखा रहा है। अब यहाँ पर पूछा क्या है, कौन सा सत्य है, तो भाई इसमें से क्या है, 1, 2, 3 तीनों के तीनों सत्य है, तीनों के तीनों क्या है, सत्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा है, निम्न में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो देखिएगा, सबसे पहले लिखे जाते हैं क्या, वेद। वेदों की व्याख्या करने हेतु ही क्या बनाए गए हैं, ब्राह्मण ग्रंथ। और जिन्हें ब्राह्मण ग्रंथों में शामिल नहीं किया गया उनसे बना क्या, आरण्यक। और जो वेदों से बच गए थे, इतर थे, अलग थे, वेदों के रचनाओं के समय अलग कर दिया गया था, उनसे बना क्या, उपनिषद। तो देखिएगा, ऐसी कोई श्रृंखला आपको दिख रही है क्या, ठीक। तो वेद आने चाहिए, सबसे पहले वेद आना चाहिए, सबसे लास्ट में उपनिषद। तो उपनिषद दो जगह दिख रहा है आपको लास्ट में, इसका प्रारंभ वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, और फिर क्या है, उपनिषद। तो यही क्या है, फर्स्ट वाला ही आपका क्या है, सही है। फर्स्ट वाला की ही क्या है, आपका सही है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा लिखा हुआ है क्या, निम्न में से कौन सा एक ऐतिहासिक जीवन साहित्य नहीं है, मतलब जीवनी नहीं है, बायोग्राफी नहीं है। तो आप देखते हैं विक्रमांक देव चरित्र, तो ये चालुक्य वंश के एक शासक होते हैं कल्याणी चालुक्य के, जिनका नाम होता है विक्रमादित्य षष्ठ, उनसे संबंधित है, जिसकी रचना जो है विल्हण ने की है। पृथ्वीराज विजय, इसकी रचना पृथ्वीराज चौहान के समय जयनायक ने की है। हर्ष चरित्र की रचना हर्षवर्धन के काल में ही बाण भट्ट ने की है। जबकि ये जो दीप वंश है ये बौद्ध धर्म से संबंधित एक ग्रंथ है, तो इसमें क्या पूछा है, जीवनी नहीं है, ठीक है, साहित्य नहीं है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा केवल एक नहीं है, बाकी सब है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे, तो कनिष्क के समकालीन कौन है, तो कनिष्क के समकालीन अगर हम बात करें तो इसमें विद्वानों का नाम लिखा हुआ है, तो कनिष्क के दरबार में बहुत सारे विद्वान थे, ठीक, कुछ नाम हम लिखते हैं, जैसे नागार्जुन, नागार्जुन इनके दरबार में थे, फिर उसके बाद बात करें हम वसुमित्र, इनके दरबार में थे, यही वो थे जिन्होंने क्या किया था, बौद्ध संगीति का क्या किया था, अध्यक्षता की थी। फिर अश्वघोष थे, अश्वघोष जिन्हें इन्होंने कहाँ से प्राप्त किया था, कनिष्क ने, मगध से। फिर है पार्श्व, जिनके कहने पर ही क्या कराते हैं, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ रहता है कनिष्क द्वारा। फिर पढ़ते हैं हम क्या, मंथर, ये बुद्धिमान व्यक्ति, और एक होते हैं चरक। तो देखिएगा इतने सारे विद्वान हैं, किनके समकालीन, कनिष्क के समकालीन, कनिष्क के दरबार में इन सबको संरक्षण प्रदान था। तो देखिएगा कौन कौन है, तो देखो ऑप्शन आप देख सकते हैं, बी आपका मैच कर जा रहा है, नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र, बाकी तो है नहीं। कम्बन, ये दक्षिण भारत में है, कम्बन दक्षिण भारत में, तो कम्बन ये तो होगा नहीं। साथ ही देखिएगा कालिदास, तो ये कौन से हैं, अभी बाणभट्ट आपने पढ़ा था हर्षवर्धन के समय, और ये भी, तो एक ही ऑप्शन आपका मिला, कौन सा, बी। फिर देखिएगा वेदों को माना गया है, अब वेद जो है, जो अगर हम बात करें वैदिक साहित्यों की, तो वैदिक साहित्य जो है उनको दो श्रेणियों में बांटा जाता है। तो दो श्रेणी कौन कौन सी है, एक होता है श्रुति और एक होता है स्मृति। तो श्रुति साहित्य के अंतर्गत रखा जाता है किसको, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक और उपनिषद, इनको रखा जाता है। तो देखिएगा क्या है आपका ऑप्शन, बिल्कुल श्रुति दिया है, तो यही क्या आ जाएगा आपका आंसर होगा कि वेदों को किस श्रेणी में रखा गया है, तो श्रुति माना जाता है, श्रुति कहा जाता है। फिर देखिएगा गुप्त शासकों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, सही नहीं है, सबसे पहले तो आपको इसको चेक करना है क्या बोला है, ठीक। देखिए उन्होंने मुख्यतः उत्तर और मध्य भारत के भागों में शासन किया, बिल्कुल सही है, इन्होंने क्या किया है, उत्तर और मध्य भारत में शासन किया है, ठीक, और दक्षिण के लिए उन्होंने ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की नीति अपनाई थी, तो इस क्षेत्र पर शासन किया, तो पहला तो सही है, ठीक। दूसरा देखते हैं, राजपद वंशगत था और सिंहासन सदा सबसे बड़े पुत्र को मिलता था, तो ऐसी जानकारी तो नहीं है कि हमेशा बड़े पुत्र को मिला, क्योंकि आप अगर पढ़ेंगे समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के दो बच्चे थे, एक का नाम था क्या रामगुप्त, ये बड़ा पुत्र हुआ करता था, ठीक है, और दूसरा जो छोटा पुत्र था उसका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। तो यहां पर यह कहा जाता है कि समुद्रगुप्त ने योग्यता को देखते हुए अपने छोटे पुत्र को ही क्या बना दिया था, उत्तराधिकारी बनाया था, मतलब ये वाला लाइन तो आपका गलत हो जाएगा, ये वाला लाइन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो ये गलत है, बाकी अपन देखते हैं। और क्या है, न्याय प्रणाली में पहले की अपेक्षा का ही थी, बहुत अधिक विकसित हो गई थी, बिल्कुल हो गया था विकसित, और भूमि करों में वृद्धि हुई, व्यापार तथा वाणिज्य के करों पर में क्या हुई थी, कमी, तो ये भी क्या है, सत्य है, जब आप डिटेल में पढ़ेंगे गुप्त काल को तो आपको ये जानकारी होगी। तो इसमें से कौन सा गलत है, मतलब कौन सा आपका ऑप्शन होगा सही, तो बी होगा, ये गलत है, ठीक। अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा हुआ है क्या, अकबर के समय में भू राजस्व कितना था, तो अकबर के समय आप पढ़ते हैं क्या दहशाला पद्धति, तो दहशाला पद्धति में क्या किया जाता था, 10 वर्ष का औसत निकाला जाता था, 10 वर्षों का मतलब उत्पादन का औसत निकाला जाता था, और इस औसत का ही एक तिहाई क्या निकाला जाता था, भू राजस्व वसूल किया जाता था, तो एक तिहाई देखिए कहां पर लिखा हुआ है, तो यह है उपज का एक तिहाई, बी ऑप्शन सही है आपका। अगला प्रश्न देखिएगा, सल्तनत कालीन प्रमुख विभागों में सही नहीं है, ठीक, तो प्रमुख प्रमुख विभाग कौन सा है, दीवाने विजारत, दीवाने आरीज, दीवाने रसालत और दीवाने इंशा। तो देखिएगा दीवाने विजारत, तो ये आर्थिक मंत्रालय था, बिल्कुल सही, वित्त मंत्रालय, जिसकी स्थापना बलबन ने की है। फिर देखते हैं क्या दीवाने अर्ज या आरीज होता है, ठीक है, तो ये जो था ये तो सैन्य विभाग है, लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है, धार्मिक विभाग, यही गलत है, क्या है, यही गलत, बाकी ये सही है, दीवाने रिया, दीवाने रसालत, तो ये सही है विदेश विभाग, और दीवाने इंशा ये पत्राचार विभाग होता है, ये भी सही है।
तो आपने देखा आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा जो मैच नहीं कर रहा है, वो है दीवाने अर्ज। ये एक्चुअल में क्या है, तो एक सैन्य विभाग है। अगला प्रश्न है, इस्लामी कानून आधारित होते हैं। अभी देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इस्लामी कानून के अंतर्गत किनको किनको रखा जाता है, तो यहां पर है आपके सामने कुरान, हदीस, इज्म, कयास। तो देखिएगा कुरान पवित्र ग्रंथ इस्लाम का और इसमें ही ये मूल स्रोत है कानून का। हदीस, यहाँ पैगंबर मोहम्मद साहब की जानकारी मिलती है। इज्म, तो विधि शास्त्रियों के द्वारा जो तर्क दिए गए उसको इज्म में रखा गया। कयास, जो तर्क के आधार पर कोई भी निर्णय लिया जाता है उसको। तो ये ध्यान रखिएगा चारों के चारों जो हैं वो इस्लामी कानून के अंतर्गत आते हैं। तो चारों के चारों आपके ऑप्शन, तो चारों ही आपके क्या हैं, सही उत्तर होंगे। तो ये सभी डी। अब देखिएगा हम देखते हैं क्या कि मध्यकाल से किताबों के बारे में बहुत पूछा जाता है, जो साहित्य है वहां से क्वेश्चन उठाया जाता है। विभाग से हमने एक क्वेश्चन उठाया और एक साहित्य से उठाया, और साहित्य के क्वेश्चन को टफ नहीं करना है, ऐसे प्रश्न उठाए हैं हमने जो एग्जाम में आपको पूछे जा सके। ठीक, तो क्या लिखा हुआ है, निम्न में सुमिलित हैं, तो एक तरफ रचनाएं लिखा हुआ है, एक तरफ क्या लिखा है, विद्वान। तो तारीख है मुबारक शाही, इसके रचयिता है याहिया बिन अहमद सरहिंदी, तो ये सही है। तारीख ए सलातीन ए अफगान, इसके रचनाकार कौन है, अहमद यादगार, ये भी सही है, दोनों सही। ताज उल मासिर हसन निजामी, मुंशत ए महरू मुल्तानी, ये भी सही है। और तारीख ए सिंध, इसकी रचनाकार कौन है, तो मीर मोहम्मद मसूम, तो ये सबके सब सही हैं, सभी के सभी सही हैं। तो ये क्या है, सभी के सभी सही हैं। मैं चाहूंगा इसको आप एक बार अच्छे से देख लें और लिख लें, क्योंकि हो सकता है आने वाले समय में हो सकता है यहां से प्रश्न उठाया जाए। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो क्या है, रामचरित मानस के लेखक तुलसीदास किसके समकालीन या किसके काल से संबंधित है। तो तुलसीदास के बारे में कहा जाए तो इन्होंने अवधि भाषा में रामायण को क्या क्या है लिखा है, और नाम रखा क्या उसका, रामचरितमानस। और रामचरितमानस की एक प्रति इन्होंने उस समय के मुगल शासक अकबर को भी दी थी, अर्थात अकबर ही इनके समकालीन थे। ठीक, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, अकबर। आगे देखिएगा, अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी क्या कार्य करता था। तो ये कार्य करता था, आपके ऑप्शन में क्या क्या लिखा हुआ है, कि कानून और व्यवस्था संभालता था, भू राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करता था, शाही खजाने की देखभाल करता था, और राजघराने का प्रभारी होता था। सही उत्तर है इसका, भू राजस्व या भूमि का राजस्व का आकलन करता था और राजस्व एकत्र करता था। आगे देखिएगा, शेरशाह ने अशरफी रुपया दाम नामक नए सिक्के चलवाए, चीन में किस धातु से बने हुए थे, ये आपको बताना है। तो अशरफी की अगर बात करूं तो ये स्वर्ण सिक्के होते थे, सोने के सिक्के बने होते थे। रुपया जो होता था वो चांदी का सिक्का होता था। अभी लगातार यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं भाई, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को पिक किया है। अगला क्वेश्चन है, मतलब अगला जो है तांबा, तांबे से बना होता था दाम। ठीक, तो देखिएगा सोना चांदी और तांबा कहाँ लिखा हुआ है, सोना चांदी और तांबा, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सा, सी। अगला प्रश्न देखिएगा क्या लिखा हुआ है, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया। तो अकबर के सामने समर्पण ना करने वाला क्षेत्र कौन सा था, मेवाड़। मेवाड़ में पहले उदय सिंह आए, फिर आए कौन, महाराणा प्रताप, ये दोनों ने ही मुगल अधीनता स्वीकार नहीं की थी। ठीक, आगे चलकर एक शासक आएंगे अमर सिंह, उन्होंने जहांगीर से समझौता किया, और यहाँ पर शासन करने वाले जो वंश कहलाते थे वो थे सिसोदिया वंश। ठीक है, तो ये ध्यान रखेगा कि मेवाड़ पर शासन करने वाले जो हम पढ़ते ना, महाराणा सांगा, उदय सिंह, महाराणा प्रताप, फिर आप पढ़ेंगे अमर सिंह, फिर कमल सिंह, तो ये सब के सब सिसोदिया वंश से संबंधित है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, गुदेहू की संधि या पांडिचेरी की संधि और समय लिखा है क्या 1754 से कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था, मतलब ये संधि से कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था। तो आप अगर पढ़ेंगे कर्नाटक युद्ध, कौन सा युद्ध पढ़ेंगे, कर्नाटक, और कर्नाटक युद्ध हुआ किसके किसके बीच, ब्रिटिश और फ्रांसिसियो के बीच में, इन दोनों के बीच युद्ध होता है। ठीक है, तीन युद्ध यहां पर आप देखेंगे, एक होगा 46 से स्टार्ट होकर 48 तक चलेगा, ज्यादा समय तक नहीं होता वाला युद्ध। फिर देखेंगे आप 48 से लेकर 54 तक, देखो ये सेकंड है ना, सेकंड में ही ये समाप्त होगा मतलब, और फिर उसके बाद क्या है 56 से लेकर 63 तक ये युद्ध होगा, मतलब इसको बोलते हैं हम 7 वर्षों तक चलने के कारण सप्तवर्षीय युद्ध, सप्तवर्षीय युद्ध। तो यहाँ पर देखो द्वितीय युद्ध कब समाप्त हो रहा है 54 में, तो यहीं पर कौन सी संधि खत्म होगी, पांडिचेरी की संधि होगी, यहाँ पर एक्स-लाइशेपेल की संधि होती है, यहाँ पांडिचेरी की संधि और यहाँ पेरिस की संधि, तो यहाँ पर द्वितीय कर्नाटक युद्ध, कौन सा, द्वितीय कर्नाटक का सही उत्तर होगा।
आगे देखिएगा, 31 दिसंबर 1600 को किसने एक रॉयल चार्टर या राजकीय अधिकार पत्र जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार दिया था। तो जब आप इसको पढ़ेंगे अच्छे से तो आपको पता चलेगा रानी एलिजाबेथ ने पहले 15 वर्षों के लिए इनको क्या दिया था, एकाधिकार दिया था, और कुछ ही समय बाद जेम्स फर्स्ट जो होंगे उस अधिकार को अनिश्चित काल तक कर देंगे। तो वह फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो क्या होगा, रानी एलिजाबेथ। अगला प्रश्न हमारे सामने है, भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन है निम्बकाचार्य, ज्ञानेश्वर, वल्लभाचार्य जी और रामानुजाचार्य। तो इस प्रश्न का उत्तर याद रखिएगा रामानुजाचार्य। इस प्रश्न को इसलिए उठाया गया क्योंकि हाल फिलहाल में रामानुजाचार्य बहुत ज्यादा न्यूज में थे, जैसे कि इनकी एक स्टैचू स्थापित हुई है कहाँ, हैदराबाद में, और नाम रखा गया है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, तो इन्होंने भक्ति आंदोलन को क्या किया था, प्रारंभ किया था दक्षिण भारत में। एक और प्रश्न बनता है इससे कि इनके जो शिष्य थे रामानंद जी, ठीक है, वो क्या करते हैं, दक्षिण भारत से उत्तर भारत लेकर आते हैं भक्ति आंदोलन को। तो भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर लाने का श्रेय रामानंद जी को जाता है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य क्या है, मतलब मुख्य समानता क्या है? तो आप देखिएगा, अहिंसा व्रत का पालन, निर्वाण के लिए तपस्या, संसार दुखपूर्ण है, सत्य बोलना है। तो इन दोनों के ही समानता में जो हम देखते हैं वो क्या है, इन दोनों ने संसार को दुख मूलक बताया है, दुखपूर्ण बताया है। तो इसका आंसर आप लिखेगा सी। फिर देखिएगा, शिवा जी की भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सत्य है, क्या सत्य है, ठीक, क्या सत्य है आपको ये बताना है। तो शिवा जी ने जमींदारी और जागीरदारी का विरोध करते हुए रैयतवाड़ी, तो रैयतवाड़ी है ना, रैयतवाड़ी व्यवस्था, बिल्कुल हाँ रैयतवाड़ी व्यवस्था अपनाई। भू राजस्व की दर प्रारंभ में क्या रखा था, 33%, और बाद में क्या कर देते हैं, बढ़ाकर 40%। बिल्कुल क्या होता है जब ये पुरंदर की संधि करते हैं और अपने 35 किलो में से 23 किले दे देते हैं किन्हें, मुगलों को, तो इनका राजस्व कम हो जाता है। तो ये क्या करते हैं, उस पर वृद्धि करने के लिए 33-40% कर देते हैं। फिर शिवाजी ने रस्सी के द्वारा माप के स्थान पर काठी और मानक छड़ी का प्रयोग किया, ये भी सही है, मतलब भाई अपने को तो क्या हो जाएगा, सभी के सभी सही है, तो क्या आ जाएगा अपना आंसर, डी हो जाएगा। ठीक, देखिएगा क्या लिखा हुआ है, मराठा काल में स्थायी घुड़सवार सेना एवं अस्थाई घुड़सवार सेना कहलाती थी। तो जो स्थाई घुड़सवार सेना होती थी उनका रहने का व्यवस्था या कहें अस्त्र शस्त्र, ठीक, और पोशाक जो भी होता था वो राज्य के द्वारा अर्थात जो मराठा शासक होते थे वो देते थे, और जो अस्थाई सेना होती थी वो अपना सामान खुद लेकर आती थी। बस इनको ये माने जाते थे किराए के सैनिक, जब आवश्यकता पड़ती थी तब इनको बुलाया जाता था, और जब अभियान खत्म होता था इनको एक उचित इनाम देकर वापस लौटा दिया जाता था। तो ये जो होते थे स्थाई सैनिक ये कहलाते थे बरगीर, ठीक है, और जबकि अस्थाई सैनिक होते थे वो क्या कहलाते थे, सिलेदार या सिलदार। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्थाई बंदोबस्त प्रणाली के बारे में गलत है या सही नहीं है? तो देखिए क्या लिखा हुआ है, स्थाई बंदोबस्त प्रणाली में जमीनों की खरीदी बिक्री नहीं की जा सकती थी, ऐसा कुछ नहीं था, खरीदी बिक्री की जा सकती थी, यही गलत है पहला ही, क्योंकि भाई जमींदार को ही तो देंगे ना, जमींदार को क्या करेंगे, देंगे, नया जमींदार वर्ग बनाते हैं अंग्रेज। दूसरा देखिए क्या लिखा हुआ है, जमींदारों को भूमि का स्वामी बना दिया गया, बिल्कुल सही है। भू राजस्व में सरकार का हिस्सा कितना होता है, 10/11 होता था, बिल्कुल सही है। यह व्यवस्था कार्नवालिस के समय स्टार्ट होती है, बिल्कुल सही है। तो सबसे ज्यादा जो नहीं लग रहा है वो क्या होना होगा, पहला। देखते हैं अगला प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। लिखा हुआ है, कौन सा अखबार था जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात क्या हो गया था, मात्र अंग्रेजी में प्रकाशित होने लगा था? तो देखिएगा, ऑप्शन है बंगाल गजट, अमृत, बाजार पत्रिका, उत्तंड बारतंड और बंगाली। तो ध्यान रखिएगा, वैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था किसके लिए, सोम प्रकाश के लिए, जो किसकी रचना है, ईश्वरचंद विद्यासागर के, और उसको जब बंद कराया गया बंगाली में छपने के कारण, तो यहाँ पर भी क्या हुआ, बंगाली में छपने वाला जो अमृत बाजार पत्रिका है वो क्या करता है, स्वयं ना समाप्त हो जाओ करके ये रातों रात ही अपने आप को ट्रांसलेट कर लेते हैं किसमें, इंग्लिश में। ठीक, और इसके जो प्रमुख है संपादक थे वो थे मोतीलाल घोष जी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का संबंध लाला लाजपत राय से है? ठीक है, तो देखिएगा क्या क्या है ऑप्शन में, द पीपल, फिर है द पंजाबी, हिंदू पेट्रियार्ट, तो ये पेट्रियार्ट तो नहीं है, ठीक, लेकिन हाँ मुझे ये लग रहा है कि ये दोनों हैं। और ऑप्शन देखते हैं, एक और ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, उपरोक्त में से कोई नहीं, और करके क्या लिखा है, एक से अधिक, तो यही आपका आंसर है। देखिए आजकल ऐसा भी ऑप्शन आपको दे सकता है, ठीक है, तो ध्यान रखना। तो यहाँ ए और बी दोनों हैं और ऑप्शन में क्या लिखा है, एक से अधिक भी, ठीक, तो ऐसे प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं या ऐसा तरीका आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगला प्रश्न देखते हैं, इंडियन नेशनल एवोल्यूशन के लेखक कौन है?
ऑप्शन है अंबिकाचरण मजूमदार, जवाहरलाल नेहरू, सी आर दत्त और चंद्रशेखर आजाद। तो याद रखिएगा इसके जो लेखक हैं वो कौन है, अंबिकाचरण मजूमदार। इन्होंने ही क्या किया था 1916 में जब कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होता है उसमें अध्यक्षता की थी, जहां मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों के दोनों समझौता कर लेते हैं और साथ ही कांग्रेस के भीतर भी नरम दल और गरम दल के बीच में क्या होता है समझौता हुआ था, तो उसमें क्या था अध्यक्ष की भूमिका निभाई थी इन्होंने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लिखा हुआ है डब्ल्यू सी बनर्जी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई। तो ऑप्शन है इंडियन पॉलिटिक्स, सेकेंड ऑप्शन है लेबर किसान गजट, अगला लिखा हुआ है द इंडियन स्ट्रगल और फिर लिखा हुआ है हिंद स्वराज। तो इसका जो सही उत्तर है वो है इंडियन पॉलिटिक्स। तो याद रखिएगा डब्ल्यू सी बनर्जी है जो पहले क्या थे कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, उनके द्वारा इंडियन पॉलिटिक्स नामक रचना लिखी गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लिखा हुआ है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। ऑप्शन है पुरुषोत्तम दास टंडन, लाला लाजपत राय, कस्तूरी भाई लाल भाई और फिर कस्तूरी भाई टंडन। देखिएगा ये जो अधिवेशन हुआ था 1920 में हुआ था और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है लाला लाजपत राय जी ने की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल फिलहाल में अभी पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में, तो इसको ध्यान रखें। तो इसी के साथ ही आज की इस श्रृंखला का हम समाप्ति करते हैं। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको बहुत ही लाभदायक होंगे आने वाले सभी परीक्षाओं में। तो ऐसे ही प्रश्नों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।